सिरोंज नगर पालिका कार्यालय पर विरोध, आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। विदिशा के सिरोंज नगर पालिका कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी ने जमकर नारेबाजी की। भाजपा पर आरोप लगाया कि कई भाजपाइयों के दो मंजिला मकान है, फिर भी पीएम आवास योजना में गलत तरीके से मकान ले लिया है। दूसरी तरफ जरूरतमंद आम जनता परेशान है, पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी के तहसील अध्यक्ष रजत सक्सेना ने कहा कि सूचना के अधिकार में उन्होंने खुद ही नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारियों की सूची प्राप्त की है, तब पता चला कि अनेक कर्मचारी कभी नगर पालिका आते ही नहीं है। कुछ नेताओं के घर ड्यूटी बजा रहे हैं तो कुछ लोग अपने घरों से दूसरे व्यापार कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह नगर पालिका से डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह नगर पालिका का घेराव कार्यक्रम था। जिला अध्यक्ष की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शन में करीब 15 से 17 कार्यकर्ता ही उपस्थित हुए। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि दोनों मामलों की जांच करवाई जाएगी। मुझे सिरोंज आए अभी 5 से 7 दिन ही हुए हैं, सबको समझने में थोड़ा समय लगेगा। आज आम आदमी पार्टी सिरोंज लटेरी विधानसभा नगर पालिका का घेराव करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता में स्वयं रजत सक्सेना द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मांगी गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लिप्त हैं, जिनकी दो दो मंजिल, तीन तीन मंजिल पहले से ही मकान बने हुए हैं, इसके बाद भी वो लाभ ले रहे हैं। और जी ऐसे कई ऐसे वो आपको मैं सूची प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको सूची प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको स्वयं दिख जाएगा कि पूर्व में कितने मंडल अध्यक्ष और कितने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने आवास योजना का लाभ लिया है। आज आम जनता और गरीब आज भी परेशान है, दो दो कोटियों की जो किस्तें आती हैं वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं उन्हें, और सर्दी में बगैर छत के कई बेचारे गरीबों ने सर्दी अपनी निकाली है।